नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज है हरियाली तीज का त्योहार। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं भूल से भी ये एक काम बिल्कुल ना करें, वरना आपका पूरा व्रत बेकार हो जाएगा। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज प्रतिवर्ष सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त 2021 को हरियाली तीज है। इस दिन सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज पर विधिवत पूजा करने के बाद सुहागिनों को भूल कर भी कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना अगले जन्म में अजगर, नाग, सांप अथवा अपंग जीवों के रूप में जन्म लेता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से व्रत का जो संकल्प होता है वह टूट जाता है। क्रोध करने से हमारा व्रत फलहीन हो जाता है। शांत चित्त रहने के लिए इस दिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए और भूल कर भी यथासंभव क्रोध से दूर रहना चाहिए। इस दिन सोना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज पर शिवजी और माता पार्वती जी की रात भर समय समय पर पूजा होती है, इसलिए महिलाओं को इस दिन सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिला सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर का रूप धारण करती है। अगली चीज है, दूध का सेवन बिल्कुल ना करें आज के दिन। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन महिलाएं दूध पी लेती हैं तो उन्हें पाप लगता है और अगले जन्म में सर्प के रूप में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। अगला है, इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन अगर आप व्रत रख रही हैं तो कतई भी व्रत को ना तोड़ें। यह व्रत निर्जला रहकर किया जाता है और अगर इस दिन महिलाएं कुछ खा पी लेती हैं तो अगले जन्म में उन्हें नीच योनियों में जन्म मिलता है। हालांकि अगर कोई रोग या तकलीफ हो तो आप भगवान का नाम लेकर उनकी पूजा कर जल पी सकते हैं, रोगी कर सकते हैं। अगला है, छल कपट से दूर रहे। हरियाली तीज के दिन अपने पति से किसी भी प्रकार का छल कपट ना करें। पति के साथ लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, गलत व्यवहार आदि ना करें। इस दिन शिव पार्वती जी के भजन कीर्तन से पति की दीर्घायु होती है और पत्नी को मनोवांछित लाभ मिलता है, इसलिए सच्ची और पूरी श्रद्धा भाव से माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पति के साथ कोई भी छल कपट नहीं करना चाहिए। अगला, आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी सास ससुर होंगे। आज के दिन उनसे भी भूल से भी कोई अपशब्द ना कहें। यदि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो आपका व्रत वहीं टूट जाएगा। आपका व्रत को आपका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज के दिन महिलाओं को अपने से बड़ों के साथ बहस नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।